हाँ जी बेटा, क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ था, सिलेंड्रिकल बकेट 32 जो है सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ द बेस। बेटा मेरे पास जो है रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, दिस इज आर। ओके, इज फिल्ड विद सैंड। मैंने आपको बताया कि इसमें सैंड थी। जब भी मैं बकेट को उलटाती हूँ, कभी भी हम कोई ढेरी लगाते हैं, कभी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करता हो देखा हो, तो जब भी वो एक जगह से मिट्टी लेके आते हैं और दूसरी जगह पे ऐसे डालते हैं ना, इट ऑलवेज फॉर्म अ कॉनिकल शेप, ऐसे बनता है। हीप हीप ऑफ द कोन इज फॉर्म। अब उसने कहा कि बकेट से मिट्टी मतलब सैंड लेके उन्होंने जो है एम्प्टी की ग्राउंड में, और एक कॉनिकल हीप सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24। अब उन्होंने कहा कि ये 24 सेंटीमीटर है, तो बेटा फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। अब उसने कहा है कि इसका आर भी कैलकुलेट करना है और इसका एल भी कैलकुलेट करना है ना। अगर आर पता चल गया तो एल अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी इशू की बात नहीं। ऑब्वियस है, एक बकेट से हमने कोई चीज फिल करके निकाली गई है, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास तो गए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर और एच, ये स्मॉल ले लेते हैं। ओके, इधर कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल आर और इधर भी कैपिटल आर करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, पाई और पाई कैंसिल, मेरे पास जो है 18 स्क्वायर इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 1/3, और आर स्क्वायर और एच कितना है 24, ये कट गया और मेरे पास जो है, लेट अस सी, आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास वो है 18 इंटू 18 इंटू 32। कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, उसका रीजन है हमने फैक्टर्स तो बनाने ही होती है ना बेटा। तो ये सीधा कट रहा है 4 पे, और आर की वैल्यू प्लस माइनस रूट 18 इंटू 18, 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, तो ऑब्वियस है प्लस माइनस 18 इंटू 2 दैट इज प्लस माइनस 36 सेंटीमीटर। बट आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए बेटा आर की वैल्यू मेरे पास कितनी रह गई 36 सेंटीमीटर। अब आर आ गया, मैंने एल भी निकालना है। आपको पता है कॉनिकल पार्ट में ये एल होता है, दिस इज एच। अब हमने एल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, व्हाट वी विल डू, वी कैन नाउ यूज द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू अंडर रूट जो है मेरे पास जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और एच स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया 36 स्क्वायर। ओके बेटा, अब वैल्यूज जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी। 24 का स्क्वायर मेरे पास जो है 576 होता है, और 36 का स्क्वायर जो है 1296, यस ये होता है। ऐड बोथ द टर्म्स, जब मैंने ऐड किया तो 1872 सेंटीमीटर। अब इसके फैक्टर्स बना लीजिए बेटा, जब मैंने फैक्टर्स बनाए तो मेरे पास जो है इट कम आउट टू बी 12 इंटू 12 इंटू 13, चेक कर लेना बेटा। ओके जी, नाउ तो 12√13 सेंटीमीटर मेरा आंसर। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ आ गई बेटा, चले आगे। चलिए नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट 8th एंड 9th क्वेश्चन, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस जो है। तो दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर 8th में जो बात हो रही है कैनाल की, वो कैसी हो रही है, क्यूबॉइडल फॉर्म में, जिसकी आपको विड्थ दे दी, आपको उसकी डेप्थ दे दी, और जो स्पीड दी है ना 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या दी है, एक तरह की लेंथ दी है। इसका मतलब अगर मैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब मल्टीप्लाई हाइट करूं, तो
तो वो मेरा वॉल्यूम आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में। वो कौन सा टाइम में आएगा? 1 आवर में। क्यों? क्योंकि स्पीड पर आवर की बात हो रही है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। उसने कहा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। वो कहता है कि 30 मिनट्स में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर इज स्टैंडिंग इज नीडेड। मतलब एरिया निकालना है, अगर मुझे हाइट दी हुई है कि इतना मुझे वाटर स्टैंड करना। वेरी इजी कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अगर हम वॉल्यूम देखें, वो एल बी एच, क्योंकि कोई भी फील्ड है वो क्यूबॉइडल शेप में ही माना जाता है, क्योंकि बेस स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा और हाइट कुछ होगी। अगर मैं L इंटू बी को कंबाइन कर दूं तो ये क्या बन जाता है? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम मुझे पता चल गया कि 1 आवर में कितना वॉल्यूम मेरे पास होता है, 1 आवर में दिया है, मुझे कितने में निकालना है। उन्होंने कहा दैट इज 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट्स में निकाल लूं। वॉल्यूम मुझे 30 मिनट्स में पता है, एरिया मुझे कैलकुलेट करना है और हाइट मुझे दी हुई है, तो मैं क्या करूंगी? एरिया निकालने के लिए मैं वॉल्यूम को हाइट से क्या कर दूंगी बेटा? डिवाइड कर दूंगी, बस बात खत्म। क्लियर बेटा, सबको बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पर, लेट अस डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 8, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ जो है That is 6 meter, okay? Wide, sorry, that is breadth given मेरे को, and height क्योंकि deep दिया हुआ है 1.5 meter, और length that is given to me 10 kilometer, और ये लिखोगे ये 1 hour का है सारा कुछ, क्योंकि speed मुझे 10 kilometer per hour की। सबसे पहला काम है meter meter, तो मैं यहाँ पर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट किया ताकि यूनिट्स मेरे सेम हो जाए, और मैं यहां लिखूंगी वॉल्यूम इन 1 आवर, क्योंकि लेंथ 1 आवर में दी थी ना मेरे पास, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज 6 × 1.5 × 1000। ओके, पॉइंट घटाया, एक कैंसिल, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 90 और 3 zeros, दिस इज मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इन 1 आवर, बट मुझे किसमें चाहिए? 30 मिनट्स में। 1 आवर मतलब यहां पर लिख दीजिए 60 मिनट्स। ओके, तो देयर फोर वॉल्यूम इन 30 मिनट्स मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 2, और ये हो गया 45,000 meter square cube वॉल्यूम की बात। यहां तक बात समझ आई सबको कि हमने क्या किया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब मेरे पास हो गए यहाँ पर वॉल्यूम इन 30 मिनट्स आ गया, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है व्हेन हाइट जो है मुझे 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर क्यूब में, वो सेंटीमीटर में, उसको भी मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। आप लिखोगे नाउ हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 जो है बाय 100 मीटर, दैट इज 0.08 मीटर। ओके, तो अब मेरे पास हो गए यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिटन हियर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास हो गए मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो है हाइट, तो वॉल्यूम 45,000 divided by height, that is 0.08. Cutting कीजिए तो you will get your answer, मेरे पास जो है answer calculate कीजिए। देखिए आप answer, क्योंकि यहाँ कोई
हेक्टेयर में नहीं कुछ पूछा गया, पीछे चाहे हेक्टेयर में आंसर, बट आपने सिंपली जो आंसर देना है वो बेटा मीटर क्यूब में ही देना है। जब आप सॉल्व करोगे सारा, इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 562500 मीटर क्यूब। मैं शो कर देती, लीजिए डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो यू विल गेट दिस। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, क्योंकि बेसिकली वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी एरिया होता है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, सिंपल सी बात। ओके जी, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस डू दैट। क्वेश्चन नंबर 9th, हाँ जी, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया हुआ, अ फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनाल टू ए सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है, हमने पाइप जो है अटैच की गई है एक सिलेंड्रिकल ये लीजिए टैंक के साथ, ओके ये मैंने अटैच की गई है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, यहाँ पर जो है पाइप का जो है डायामीटर 20 सेंटीमीटर, यट मी रेडियस 10 सेंटीमीटर, मैं सीधा रेडियस लिख रही हूँ, ओके। एंड नाउ इट इज रिटन इन ए फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायामीटर एंड 2 मीटर डीप जो है मेरे पास। यहाँ पर उसने कहा जो सिलेंड्रिकल टैंक है जो वो 10 मीटर इन डायामीटर है, दैट मीन्स 10 मीटर अब डायामीटर में है तो दैट मीन्स रेडियस हो गए, कैपिटल आर ले लेते हैं 5 मीटर हो गया, और मुझे डीप बोला गया है तो दैट मीन्स हाइट बोली गई है 2 मीटर। अब देखो ये मीटर मीटर बट ये सेंटीमीटर, ऑब्वियस अ पाइप तो बहुत पतली सी होती है ना, तो दिस इज हाइट, इसको कैपिटल एच ले लेंगे। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, नाउ व्हाट इज रिटन हियर प्लीज, अगर पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1 आवर में मैं इस पाइप में से जो पानी निकल रहा है ना उसकी हाइट यानी जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर मानूंगी, ओके। नाउ उन्होंने कहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, जो है कहते कि टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वेरी इजी, अगर मेरे को पता है कि 1 घंटे में पानी कितना निकल रहा है वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप 1 आवर में, और मुझे इतना टैंक फिल करना है तो मैं क्या करूं इस टैंक के वॉल्यूम को 1 आवर के वॉल्यूम के साथ क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, जब मैं डिवाइड करूंगी तो अपने आप मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, पर किस में आएगा आवर्स में आएगा, ओके। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, मेरा जो है सबसे पहले वॉल्यूम जो है इन 1 आवर बाय पाइप वो कितना वॉल्यूम है, रहेगा तो सिलेंड्रिकल ना, अब सबसे बड़ी बात है यूनिट सेम करने, ये मीटर्स में है तो इसको भी मीटर्स में कर, तो इसको मीटर में करूंगी तो 10/100 दैट इज 0.1 मीटर, और ये 3000 किलोमीटर 3 किलोमीटर था उसको 3000 मीटर में कर दिया, तो अब दैट इज पाई आर स्क्वायर और मेरे पास हो गए एच, तो अब चाहे पाई मत पुट करो क्योंकि डिवाइड होना है ना, तो मुझे पता है पाई पाई कट जाना है तो क्यों पुट करूं मैं, आर स्क्वायर दैट इज 0.1 स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज 3000, और ये मेरे पास अगर मैं हटाऊंगी तो 1/100 इनटू 3000। कैलकुलेशंस आपने स्मार्टली हैंडल करनी है 30 पाई मीटर के, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैंक,
वॉल्यूम ऑफ टैंक वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज पाई जो है और आर दैट इज 5² H2, तो ये कितना होगा 50 पाई मीटर क्यूब। ओके ये स्थानीय, ये स्थानीय बेटा मैम वहां पे 0.1 का स्क्वायर है। हाँ तो मैंने स्क्वायर था तो बेटा 1 हटाया 10 नीचे बचा तो इसीलिए 100 आया ना बेटा। ओके मैम थैंक यू, ना उसीलिए तो 100 लगाया मैंने। चलिए तो अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम टेकन, तो दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो है पाइप इन 1 आवर, तो ये पाई पाई कैंसिल ही दो, ये जो है जब मैं डिवाइड करूंगी 3 से तो मेरे पास चाहे आप यहाँ आवर्स है ना तो आप यहाँ मिनट्स में भी साथ में ही चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास जो है देखिए 3 1 दा ठीक है 3 2 बचे, वो 2 1/2 बचा ना। अगर आपको नहीं पता चलता है आप ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे लिखते हो कि नहीं। ओके तो ये 1 आवर्स, अब आगे इसको मिनट्स में चेंज कर लीजिए 60 करके इसको कटिंग कर दीजिए तो 1 hour 40 minutes यू कैन राइट लाइक दिस। ये आप पे है, आप 5/3 अगर ऐसे ही रहने देना है तो ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है। अच्छा कई सीधा ही मिनट्स में पूरा ही कर लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सीधा ही यहाँ पर अगर आप मिनट्स में चेंज कर दो तो 5/3 × 60 तो आप करोगे तो 100 मिनट्स भी आंसर दे सकते हो। ये टोटली आप पे है कि आपने ऐसे देना है कि ऐसे देना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ओके बेटा क्लियर, बात समझ आ गई सबको, कम रिस्पॉन्स है आज 10th D का, वेरी लेस। चले आगे। ओके दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक जो है, आगे टॉपिक फ्रस्टम ऑफ ए कोन है दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस ठीक है, दैट इज डिलीटेड। अब हमने टोटली 30.4 एक्सरसाइज और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो सारे के सारे डिलीटेड है। नाउ आवर वर्क इज टू डू 13.5, उसमें से वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें फ्रस्टम नहीं आता है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, ओके ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे। ये सारी मिक्स एक्सरसाइज है, इस पे सारे क्वेश्चंस जो हैं मिक्स हैं पूरी पूरी एक्सरसाइज के, तो लेट अस डू दैट एक्सरसाइज। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। चलिए हाँ जी, फर्स्टली वी विल रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 13.5 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके व्हाट दिस क्वेश्चन इज, कॉपर वायर 3 mm इन डायामीटर मेरे पास जो है इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज मेरे पास जो है 12 cm एंड डायामीटर इज 10 cm। ओके मेरे पास एक सिलेंडर है, ओके इसकी हाइट मुझे दी हुई है दैट इज गिवन टू मी 12 और इसका डायामीटर, अगर डायामीटर दिया है तो मैं सीधा रेडियस लिख रही हूं दैट इज 5 cm। ओके इसके आसपास मैंने एक वायर को जो है टर्न करना है ठीक है। सपोज मेरे पास जो है ये सिलेंडर है ठीक है और इसके आसपास ऐसे साथ साथ बिल्कुल विदाउट ओवरलैपिंग ऐसे ठीक है मैंने राउंड करना है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उन्होंने कहा कि अगर मैंने इतनी राउंड करनी कि पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना वो कवर हो जाए मेरे पास, फाइंड द
लेंथ एंड द मास ऑफ द वायर, वो कहता है कि मुझे लेंथ और मास बताना है वायर का, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही उसने कहा है कि इजी है आगे कि मुझे मास बताना, मास तो तभी बताएंगे अगर वॉल्यूम पता चलेगा, है ना। वॉल्यूम हम वायर का तभी बता सकते हैं जब लेंथ पता चलेगी। तो पहला स्टेप तो मुझे ये कि मुझे कितनी लेंथ जो है वो चाहिए ताकि वो आराम से मेरा कवर हो सके। अब बेटा क्लियर कट है मेरे पास, अब कितनी लेंथ मुझे चाहिए, है ना, एक टर्न में अगर मुझे पता चल जाए, फिर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाए, तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए वायर की। ऑब्वियस है कि अगर मेरे पास ये वायर है, मुझे सिर्फ पता चल जाए एक टर्न में, एक टर्न में कितनी वायर यूज होगी, जितना सिलेंडर के बेस का सर्कमफ्रेंस है कि नहीं है, आप खुद देखिए। फिर मैं नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लूंगी और क्या कर लूंगी, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरी टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट अस राइट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, सर्कमफ्रेंस ऑफ जो है मेरे पास सिलेंडर, या बेस ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो, कोई उसमें बात नहीं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर इन वन टर्न में जितनी लेंथ यूज होगी। सर्कमफ्रेंस मेरे पास सिलेंडर का क्या होता है, 2πr, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है लेंथ ऑफ द वायर यूज इन वन टर्न। अब R मुझे दिया हुआ है, पाई की वैल्यू मुझे 22/7 है, R मेरे पास जो है 5 है, तो ये लेंथ जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 44 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास ये आ गया 220/7। दिस इज लेंथ ऑफ वायर इन वन टर्न, ये एक टर्न में, ठीक है। अब मुझे कितने टर्न्स चाहिए, अब आप खुद सोचो, मैं आपको बार बार ये वायर दिखा रही हूं, इसकी अपनी एक, ये जो इसका डायामीटर है ना वायर का, जब मैंने एक वायर लगाई यहां पर, ऐसे लगाई, ये देखिए ऐसे ही रोल कर रही है ना, जितना इसका डायामीटर है ना एक टाइम पे, वो उतना हाइट कवर कर रही है, और मेरी टोटल हाइट है 12, तो अगर मैं 12 को जितना एक में हाइट कवर कर रही है डिवाइड कर दूं, मुझे पता चल जाएगा मुझे कितनी लेंथ चाहिए, मतलब कितने टर्न्स चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, राइट डाउन, मार्क दिस फर्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज इक्वल टू मेरे पास 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेरे पास जो है वायर का स्टार्टिंग में कितना डायमीटर दिया था, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर को मैं चाहे सेंटीमीटर में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाय 10 से, या इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं। तो ये कट गया 4 और 10 आ गया, तो 40 टर्न्स मेरे पास आ गए। अब मुझे वन लेंथ में पता है 40 में निकालना है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड That is 40 multiplied 2220/7। इसको सारा सॉल्व कर लो, जितना भी आता है वो मेरे पास कितना आएगा सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अब लेंथ आ गई, पहला पार्ट हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच है ना मेरे पास जो है, तो आप वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा, उसके बाद मास निकाल लो, आपको 8.88 ग्राम दिया, You can calculate mass with that. Okay, beta? Clear? फिर भी नहीं समझ आएगा तो tomorrow we will discuss it. ठीक है? Time over हो गया है. Complete it and discuss it tomorrow with me. Till then, goodbye and day.